मंदिर लगभग 650 साल पुराना। 1494 सातम शुक्रवार 1595 विक्रम संवत के मायन करने जी देवलोक गया था। आसोच मास उज्जल पक आई लियो अवतार। पीछे आप पत्र देख रही हूँ, बिया माते 5 पत्र होता, बिया माते आप विराजमान हो पड़ा। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। नमस्कार, जय मां करनी। आप देख रहे हो जलको बीकानेर। बीकानेर जिले 105 किलोमीटर दूर गड़ियाले गांव रमाने जटे श्री करनी माता रो परम धाम रेणबड गड़ियाले रमाने अटे करनी माता ज्योतिर्लीन होया है। आपा अटे श्रद्धालु है, गाँव वासी है, वहाँ जाना और आपने बतावा करनी माता री पूरी कहानी। अटे कद करनी माता आया है, अटे रो कई इतिहास है इन मंदिर रो, कि तो पुराना मंदिर है, किन मंदिर बनायो है और अटे कई कहानी है, कई ऐतिहासिक घटना है। आप जो मंदिर देख रहे हो संगमरमर में निर्मित है, बहुत ही भव्य और कलात्मक तरीके में मंदिर बनायो है। इन मंदिर बारे मायने बहुत ही कम लोग जाने करे। विश्व विख्यात मंदिर है जो करनी माता रो मंदिर देश नोक रमायने है, जो बीकानेर जिले में है, जटे करनी माता आप भौतिक शरीर छोड़ियो। आज आप तक वीडियो जरिए आप पूरी जो जानकारी है आपने बताओ। पुजारी जी है जो अटे सेवा दिया करे, वहाँ आप जाना कि मंदिर कितो पुरानो है, किन वो मंदिर बनायो है। नमस्कार, जय माता जी। किन बनायो वो मंदिर, कितो पुरानो है? मंदिर लगभग 650 साल हो गया पुराना, और पहला जी की नींव लागोड़ी है माधु सिंह डाकुर हाथों लागोड़ी है, और बार जो निर्माण हुआ है और जुगुल जी मारी बीकानेर जो लगभग 20 साल हो गया है। अपार हाथ गड़ियाल गाँव रही कुछ युवा साथी बैठा है, जो अपार करनी जी रो पूरे वर्तांत है, पूरी जीवनी है, पूरी जानकारी अपन है और आप अपारा जो दर्शक है बिया ने बतावे। जय माता जी। एक दो है कि 1494 सातम शुक्रवार आसोच मास उज्जल पक आई लियो अवतार, यानी करनी जी रो जन्म है विक्रम संवत जी की चले अपन है। 1444 में हुयो तो सुआप जी को गाँव है जोधपुर में पड़े उठे मेहा जी किनिया जो होता चारण जातिरा बिया ने घरे, और मुख्य रूप करनी माता चार धाम है जिका के मायने सबसे पहले है सुआप जटे करनी माता का जन्म हुई, दूसरो धाम है साठी को जटे करनी माता का ब्याह हुई देपा जी सागे, और तीसरो देशनोक है जो आप करनी माता बसायो तो सारी दुनिया जाने, चौथो धाम जो है वो आप विराज रहे हो वो है गड़ियाला जटे आप परम ज्योति में विलीन हुआ था। चार मुख्य धाम है जिका के मायने चौथो धाम वो है। विश्व विख्यात मंदिर है अपने देशनोक करनी माता रो, लेकिन आज जगह आपा बैठा है गड़ियाला गाँव मायने बीकानेर कोलाय तहसील मायने, और जो मंदिर बने हुए है गड़ियाले गांव में, इन मंदिर की कई कहानी है करनी जी अटे जो निर्माण स्थली है अटे आप शरीर त्याग इन बारे में कई कहानी है। इन कहानी ऐसा के पहली कहानी तो आई जगह करनी जी अटू देवलोक गया था, तो इन वजह में पॉपुलरिटी है मान्यता है। और क्यों या इो कारण वो है कि पहला अटे अपने जो बीकानेर रियासत थी बीरे बीचे जैसलमेर बीचे वो सीमा विवाद हो तो धनेर तलाई को वृतांत है बीरे कारण आप इन सुलझाने खातर आप अटे बता रहे था। फिर जो है अठ जून सुबह आया सुबह आपने जी को बिहार बेंद्रा बेटा पुण्यराज जी बिहार आप कहो कि मारी स्नान करने को इच्छा है और मैं स्नान करूं, तो पानी अपने सागे कितो हो बिन टेम अपने सागे कोई रथ वगैरह चाल तो बिन मान बोले पानी तो है नहीं जो को बिहार पोतो हो बिन आप मे लियो बड़े धनी रेट 2 किलोमीटर पड़े उठे भाई आप जाओ और पानी लेना हो, तो बिहार लोगों भी कहो कि भाई बिहार हमें देवलोक होने नहीं चाहूँता बन बेटो वास्ते भाई दुख नहीं कर ले भाई वास्ते मन उठ मेल दिया और आप पीछे भी आसा एक विष्णु ही हो सारंग विष्णु ही करके सेवक हो भी आरो बिन बे कहो कि भाई अपन कन पानी कितो कहने जना के जारी में साथ थोड़ो पानी है लोटो दो लोटो मानो आप, तो जितो भी है वो मार माथे कूट दो और मैं स्नान करना चाहूँ। तो ये जो पीछे आप पत्थर देख रही हो बिया माते 5 पत्थर होता बिया माता आप विराजमान हो पड़ा और बैठ गया विष्णु इन कहो कि आप पानी उठे तो जी वो बिन माते पानी उठे लियो आप एक ज्योति में विलीन हो गया पंचतत्व मिली नहीं आप मतलब देह अटे भौतिक देह अटे नहीं छोड़ी सागे देह के सागे पीछे से पत्थरी बची है लड़की नहीं तो। मंदिर सा यूँ है कि 1595 विक्रम संवत का मायन करने जी देवलोक गया था। दो है कि 1595 देव शुक्ल गुरु नम करणी सागे देह सु पुगा ज्योत परम, यानी 1595 जो विक्रम संवत हो बीर मायन करने जी देवलोक गया था। बिन टेम प्यारी उम्र होती 151 वर्ष 6 महीना और 2 दिन इन संसार में भौतिक शरीर आप दिया बिर बाद में देवलोक हैं। बाद में तो एक बार तो जगह टेम तो सारविला को एक वीरान सुनसानी हो तो कोई ज़्यादा हो को नहीं एक कच्चो चबूतर हुआ अगर तो लोग जगह ध्यान हो तो भेज आऊँ तो ज़्यादा श्रद्धालु वगैरह नहीं आऊँ था अठे 200-300 साल तो लोग के यूँ चरी हो। बिर बाद में करणीकोट साहिरबाई सा जगह है मंदिर लोग जाने साहिरबाई सा नाम से वहाँ नहीं चीज़ ज्ञान हो तो आप
बड़ा जलसा का सागर पदा रिया देश नो तो लोग सारी दुनिया आवे जाए लेकिन इस बारे में लोगों ने ध्यान कम होता फिर भी ये मंदिर रो जीर्णो द्वार करवाई हो बिका मायने कई लोग दूसरा जगह आप कही हो कि भी डाकू वगैरह भी यहाँ इष्टरा रखा करता इन टाइम में तो वे भी एट पैसों लगा एक छोटा मंदिर बनाई फिर अलग अलग भमासा या जगह भक्ता करने में तारा भी समय समय पर निर्माण करवाई हो। अबार जी को वर्तमान स्वरूप है वो हम बीकानेर जुगल जी गहलोत हैं बड़ा चमत्कार मैं आपने एक बताऊँ जो को मतलब रिटर्न में भी लिखी जोड़ो दस्तावेज मायने अंग्रेजों को एक वो मूवमेंट चला करतो नमक वालो गांधी जी भी आंदोलन चलाए तो दांडी यात्रा वगैरह निकाली थी बिन टेम अंग्रेज बैन कर दियो तो भाई कोई नमक को निर्माण नहीं कर सके बिन टेम में स्टेट होती गड़ियाला जो जागीरदारी पर बैठे रावल सा दीप सिंह जी राज करता तो अठा जो सामने एक छोटी तड़ाई बनी उठी है ये धरती की खासियत है कि अटे के माई खार जमे मतलब सफ़ेद नमक टाइप ऑटोमेटिक जम जाए करें तो बरसात तो एडी तड़ाई पूरी भरी उड़ी होती जो पानी हो वो सारो नमक में बदली गया मतलब कन्वर्ट हो गया तो लोग आसपास का दूर दूर का जो ही लोगों ने ध्यान लगे हो गए उठे सा नमक है नमक बिनटे मूँगो तो बैठो ले जाना शुरू हो गया बर्द का डम है ऊँट का डम भर पर तो बात जब स्टेट तक मतलब बीकानेर राजा तक महाराजा साहब तक पहुँची तो बे कहीं कि राहुल साहब ने तलब कर लिया बैठे बोलो ये तो आप की जो जागीर क्षेत्र है बी एम मायने वो कानून तोड़ी जरिए और फिर अंग्रेज गवर्नमेंट आप मामा तो प्रेसर देवला में आप मत ये बोला फिर आपकी जागीर जो है मैं खालसा कर दूँ खालसा मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो राहुल साहब तो मुसीबत में आ गया फिर आप अटाया देवल माता आप अपना और अंजल त्याग दियो मतलब दो तीन दिन अठाई बैठा रिया ने कुछ खानों पीने को सब कुछ बंद एक दिन भी चमत्कार ही हो जो सुबह उठे तो जितो भी वो नमक जमे जोड़ो सारो मिट्टी में परिवर्तित हो गया और बीर बाद में इस क्षेत्र में नमक आज तीन जमी हो तो बहुत बड़ा चमत्कार है। अठे एक लड़को आयो आप अरदास लेर जो को आँखें बंदो और बिने मोटरसाइकिल माथे बांधर ले रहा है भाई भाई दुनिया आया और बटे एक फेरी लगाती और हाथों आती मेरी आँख माता जी तैयार करती और देखने चालू और फिर वापस वो बाइक आप चालू स्टार्ट कर ले गई आपरे गाँव। अब जैसे सनातनी धर्म है हिंदू धर्म है इन मायने कोई भी देवरो जो अंतिम स्थान होया करे वो पूजी जाया करे और महत्वपूर्ण स्थान होया करे लेकिन करनी जीरो और जो धाम है इन धाम रे बारे में मायने बहुत कम लोगों ने ध्यान है पर राजस्थान रे मायने भी बहुत कम लोगों ने ध्यान है अटे बहुत कम लोग पहुँचा करे इन बारे में कहीं कहना चाहो भाई अपने हिंदू धर्म में कह दो या सनातन धर्म में कह दो जहाँ मतलब जो देवता जो अंतिम स्थान हुए वो पूजी जाया करे या विख्यात हुए और अपना जो मंदिर है गड़ियाला धाम है माता जी वो अंतिम स्थान है और देवस्थान विभाग है जिको और प्रशासन वो बिल्कुल इस तरफ ध्यान कौन दे रही हो ये चक्कर में मंदिर मतलब तो प्रचार प्रसार या कई लोगों ने तो ध्यान में भी कौन भाई माता जी अंतिम स्थान जो वो है और तो मतलब प्रसिद्ध स्थान है भाई विभाग रही कह दो या फिर चाहे प्रशासन रही कह दो ध्यान ना देवे इस चक्कर में वो मंदिर मतलब पिछड़ रही है या लारे रह रही है जो कर्णी माता और जो देश मंदिर है वो तो मतलब बहुत विश्वविख्यात है प्रसिद्ध है और वो मंदिर इस वजह में लारे रह रही है तुम्हारो जो को विभाग और प्रशासन निवेदन है और चैनलों भी निवेदन है कि मंदिरों प्रचार प्रसार करो ताकि मतलब मंदिर ने प्रसिद्धि मिले या जो लोगों ने जिका ने ध्यान नहीं है बया ने भी ध्यान लगे बे भी हटावे और सब ने ध्यान लगे लारे तालाब दिख रही है इन तालाब और जो करनी माता रो संबंध है इन संबंध के बारे में मैंने अपराध जो भाई साहब है वह बताओ वो तालाब है जो को पुराने टाइम में बीकानेर और जैसलमेर रियासत रे बीच में मतलब एक सीमा ही और इन्हें ले अपनों और लोगों रे मतलब लड़ाई झगड़ो चालतो रहे तो क्योंकि पानी सब जो बड़ो स्रोत हो जो ओ ही हो और इन्हें ले अपनों लड़ाई झगड़ा चालता इस चक्कर में कन्नी माता जी खुद अठे पधारिया और दोनों के बीच में जो विवाद हो वो मिटाने वास्ते खुद अठाया। अरे और कैमरामैन देवी सिंह सागे देखता रहो जल को बीकानेर।